कितना प्यारा सूट है। मुंताज ये देखो कितना प्यारा सूट है। मैं बहुत थकी हुई अलिश्मा, बाद में देखूंगी। क्या हो गया मुंताज, तुम्हें ऊपर जाके भी ना घर के काम भी करने होंगे, तो दो घड़ी बहन को टाइम दे दोगी कि तो क्या होगा। तुम क्या अगर लड़ाका औरतों की तरह बातें सुनाती रहती हो। इसको लड़ाई करना नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करना कहते हैं। देखा कैसी बातों में आ गई हो तुम। क्या बात है आपने, कहाँ है सब लोग? वो यासिर रयान की कोई दूर की रिश्तेदार की चच्ची की तबीयत खराब हो गई थी तो सब उन्हें अस्पताल देखने गए। अच्छा, अम्मी ने बताया नहीं मुझे, वरना मैं भी जाती उनके साथ। बस कर दो मुंतहा, तुम्हारा दिल नहीं भरता ये ससुराल वालों की खिदमतें कर करके। घर के काम तुम करती हो, ऑफिस तुम जाती हो, अब रिश्तेदारों की इयादत करने भी जाओगी। अरिश्मा तुम्हें ना अपनी सोच को बदलना होगा। ये मैं अपने घर वालों के लिए नहीं करती, मैं अपने लिए करती हूँ। और तुम भी करोगी ना तो ससुराल में तुम्हारी भी इज्जत होगी, जिस तरह मेरी इज्जत है। मुझे कोई शौक नहीं है अपने ससुराल वालों से अच्छी बहू का सर्टिफिकेट लेने का, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा छोड़ो ना, ये देखो ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे 20% ऑफ पे मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। क्या हो गया तुम्हें, कल रात ही तो तुमने इतनी शॉपिंग की थी अलिजबा, अभी तुम फिर ये जोड़े मंगवाओगी? मुझे पहले ही पता था तुमसे कुछ पूछूंगी ना तो तुम ऐसी ही कोई बात करोगी। पता नहीं अलिश्मा तुम्हें कब अकल आएगी। यार तुम्हारी नसीहतों से ना मैं बड़ी तंग आ गई हूँ मुंतहा। मैंने सोचा था बहन के साथ थोड़ी देर बैठ कर कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी, अच्छी बातें कर लूंगी, लेकिन तुम ना सिर्फ दिल जलाती हो। वो जो लोग हैं ना जिनकी तुम बात कर रही हो, वो हमारे घर की रौनक बढ़ाते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग उनके होने से घर में रौनक होती है। तुम और तुम्हारी बातें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।